हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री और हिंदुस्तान का हिंदू मेरा भाई सिख कौम के आगे इस पगड़ी के आगे लाख बार सिर झुकाता है और झुका के हसान नहीं करता, कहता सिख हमारा हक है और हरमंदर साहब हमारा हक है। ये हिंदू समाज है, इन्होंने हिंदू समाज को चंद खालिस्तानियों ने बेटे बकरियां समझ लिया। हमारे इतिहास की बातें दूसरे धर्म सिर पे उठाते हैं, सिर पे उठाते हैं कि सिख कौम ना होती तो हम होते। अक्षरधाम की दीवारों के ऊपर कनाडा अमेरिका के अंदर दीवारों को गंदे नारे लिखते हैं, अपमान करते हैं, हिंदू धर्म के खिलाफ नारे लगाते हैं। आओ इनकी आची की ताची, आओ हिंदुस्तान में बेटा साहब। बिल्कुल बिल्कुल वही बात है, हिंदू समाज चौंक जाता है जब एक मंदिर पर अगर ये वो खालिस्तानी लिखते हैं, कौन लिखते हैं उसके तथ्य तो सामने आ नहीं रहे, वो चौंक इसलिए जाता है। ये हमारा भाई यहां लिख रहा है क्या, वो तो नहीं लिख रहा, ये खालिस्तानी कहां से इतना उछल रहे हैं। मेरी बात सुनो, आपने गलत बात कही कि हिंदू समाज सहम जाता है। सहम जाते का मतलब पता क्या होता है? हिंदू समाज डर जाता है। समाज डरता नहीं है क्या? छत्रपति शिवाजी महाराज जिन्होंने औरंगजेब से लड़ाई लड़ी क्या डरे थे? क्या महाराणा प्रताप जो घास खाते रहे जंगलों के अंदर और जंग आखिरी वक्त तक जंग लड़ाई लड़ी? सबसे बड़ा सवाल है कि हिंदू समाज, हिंदू मेरा भाई, सिख धर्म के आगे सिर झुकाता है, हमारे गुरु साहब की कुर्बानियों के तपो जपों पे सिर झुकाता है, जिसका इतिहास हरमंदर साहब के चार दरवाजे, हिंदू मुसलमान सिख ईसाई। हिंदुस्तान का हिंदू इतना कमजोर नहीं है, ये हिंदुस्तान के दुनिया में बैठे हुए दुश्मन पाकिस्तान जैसे लोग भी समझ लें। ये महाराणा प्रताप का देश, ये गुरु गोविंद सिंह जी का देश, ये छत्रपति महाराज का देश, ये भगत सिंह का देश, ये गुरु गोविंद सिंह महाराज के चार साहबजादों का देश, ये चंद लोगों के कारण क्या हमारे हिंदू सिखों में दरार आ जाएगी? हम सिख कौम के एक खिलाफ अपने मुंह से लफ्ज नहीं बोलेंगे। सिख धर्म हमारा हक है और हक था और हक रहेगा। इनकी बदमाशों की याची की तहसी कुंडो, क्या राम जन्म भूमि क्या छोटी सी चीज है क्या? 32,000 करोड़ देवी देवताओं का देश और ये चंद लोग कहते मूर्ति पूजा, इनकी ऐसी की तैसी। मैंने सारे धामों के हो चुका, चार धामों पे ज्योतिर्लिंगों के दर्शन कर लिए पूरे हिंदुस्तान में, 9 ग्रह के दर्शन हो गए उसकी कृपा से। जब उनकी छते देखते हैं, जब दीवारों पे देखते हैं ना, तो इतिहास पूछते हैं लाखों साल पुराना और हम उनका मजाक उड़ाते हैं। हम हिंदू समाज को बेटे बकरियां समझ रखा है इन चंद खालिस्तानियों ने। हिंदू समाज बेटे बकरियां का हिंदुस्तान के अंदर, आए को खालिस्तानी मेरे से बात करके बताए क्यों नहीं हमारे सिख समाज से आवाज उठती? अरे राम जन्मभूमि पे हमले की बात हो रहा है और हमारा समाज चुप बैठा रहे? अब छोटे साहबजादों का दिन पूरे दुनिया में मनाया जा रहा है। बिल्कुल, मुझे जितनी हिंदू धर्म, मेरे भाई हिंदू कहना भी पाप है, गुनाह है। हिंदू सिख एक 9 मास का रिश्ता, हिंदू सिख एक रोटी बेटी का रिश्ता है। हम एक दूसरे से अलग ना थे ना कभी हो सकते हैं। आप देखिए कितनी खुशियों से मनाया जा रहा है। हर मेरा हिंदू भाई एक ही बात कहता है, अगर सिख कौम ना होती, अगर साहबजादों की, अरे गुरु तेग बहादुर हिंद की चादर, अरे गुरु गोविंद सिंह महाराज उनके साहबजादों की अगर कुर्बानी ना होती तो आज हिंदू समाज कहां होता, बताइए है या नहीं? ना सरकारों की जरूरत पड़ेगी, ना गोली की जरूरत पड़ेगी, ना दुनिया में किसी कंट्री में अमेरिका कनाडा के राष्ट्रपति प्राइम मिनिस्टर को कहने की जरूरत पड़ेगी। जिस दिन हिंदुस्तान का सिख समाज पूरे देश के अंदर बिल्कुल लेकर के तिरंगे झंडे एक हाथ में निशान साहब गुरु महाराज का सड़कों के निकल जाए, मेरी गारंटी लाख मेरे से सवाल पूछो हर बात का एक ही जवाब निकलेगा। क्योंकि इन खालिस्तानियों के अंदर एक ही जहर पाकिस्तान पे छारे पे, हिंदू हिंदू हिंदू, क्या नफरत है इनको हिंदू समाज की, मैं पूछना चाहता हूं।